नमस्कार, मेरा नाम कुणाल दीक्षित है। हम लोग यहाँ पे बेबी शोर में ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे आज से कुछ 4 महीने पहले। और इनिशियली हम यहाँ पे आए थे क्योंकि हमें एक कंपैरेटिव करना था, क्योंकि इधर और भी पुणे शहर में एक और फर्टिलिटी क्लिनिक है। तो हमने ये सोचा था कि हम यहाँ पे एक रिव्यू लेंगे और लेके फिर हम कंपेयर करके फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आए उसके बाद फिर हमें कॉन्फिडेंस आया और फिर हमने फर्दर यही सोचा कि हमें किसी कंपैरेटिव की ज़रूरत नहीं है। हमने यहीं से स्टार्ट किया प्रोसेस। बीच में मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई, बट वो एक इन्फ्लुएंजा था, फ्लू था, तो बुखार था और ये सब था। तो गोइंग फॉरवर्ड उसके बाद फिर हमारा थोड़ा सा ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद तब मुझे यही लग रहा था कि यार इतना लंबा टाइम क्यों ले रहा है और इतना टाइम क्यों जा रहा है हमारा। लेकिन मुझसे ये समझ में आया कि फर्दर जो इंजेक्शन्स और जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेनी चाहिए। तो नॉट ओनली मनी वाइज बट हेल्थ वाइज भी बेबी शोर ने हम लोगों का काफ़ी ख्याल रखा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड अभी वाइफ की मेरी प्रेगनेंसी है 5 वीक्स की हो चुकी है, तो वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स एंड आई होप कि गोइंग फॉरवर्ड भी सेम ऐसा ही रहे। जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे डॉक्टर्स और जितने भी स्टाफ हैं सब लोग काफ़ी ध्यान रखते हैं, तो वी होप कि सब कुछ अच्छा ही रहे। जस्ट टू ऐड वन थिंग कि ओवरसीज हम लोग थे, तो ओवरसीज में भी हमने किया था एक बार IVF ट्रीटमेंट वहाँ पे किया था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास वहाँ पे टाइम कम था। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके एक्स्ट्रा केयर करके स्टाफ और डॉक्टर्स ने वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। तो आई बेस्ट ऑल द विशेस टू ऑल द व्यूअर्स हु आर सीइंग दिस वीडियो। गोइंग फॉरवर्ड इफ रिक्वायर्ड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द प्रोसेस ओवर हियर एंड गो अहेड। थैंक यू, नमस्ते।